आपके लिए फिर से एक बार नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूँ, जो कि हमारे पास निकल कर आई है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, यह वैकेंसी है IOCL रिक्रूटमेंट 2022, जिसे कि 56 इंजीनियरिंग असिस्टेंट और टेक्निकल अटेंडेंट पोस्ट के लिए जारी किया गया है। दोस्तों यह एक ऑल इंडिया वैकेंसी होगी, जिसके लिए ITI पास कैंडिडेट और डिप्लोमा पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। साथ ही इसमें आपसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो आगे बढ़ने के पहले दोस्तों, एक लाइक तो बनता है, हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही इस पूरे वीडियो को देखें। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में डिटेल में बातें कर लेते हैं। सबसे पहले रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। एप्लीकेशन मोड दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कंप्लीटली ऑनलाइन रखा गया है। अगर बात किया कौन कौन से कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, तो ऑल इंडियन कैंडिडेट चाहे वो किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटोरी में रहते हो, इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। जॉब लोकेशन दोस्तों आपके लिए अक्रॉस इंडिया रखा गया है, यानी आपकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी हो सकती है। पोस्ट नेम की बात किया दोस्तों तो टेक्निकल अटेंडेंट के लिए 33 पोस्ट है, इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए 9 पोस्ट है, इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए 4 पोस्ट है, इंजीनियरिंग असिस्टेंट ऑपरेशंस के लिए 3 पोस्ट है, वह इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए 7 पोस्ट है। इस प्रकार से टोटल वैकेंसी दोस्तों 56 है। और सैलरी की बात की जाए तो टेक्निकल अटेंडेंट को मिल जाएंगे 23,000 रुपये से लेकर 78,000 रुपये पर मंथ, वह इंजीनियरिंग असिस्टेंट को मिल जाएंगे 25,000 रुपये से लेकर 105,000 रुपये पर मंथ। और कैटेगरी वाइज डिटेल की बात की जाए तो अनरिजर्व या जनरल कैंडिडेट के लिए 32 वैकेंसी है, SC कैंडिडेट्स के लिए 10 वैकेंसी है, ST कैंडिडेट्स के लिए 5 वैकेंसी है, OBC कैंडिडेट्स के लिए 7 वैकेंसी है और EWS कैंडिडेट के लिए मात्र 2 वैकेंसी है। अगर एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात की जाए तो जनरल कैंडिडेट के लिए इसे 18 से 26 वर्ष रखा गया है, जबकि OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए इसे 18 से 29 वर्ष रखा गया है। वहीं SC ST कैंडिडेट्स के लिए इसे 18 से 31 वर्ष रखा गया है, जबकि PWD कैंडिडेट के लिए इसे 18 से 36 वर्ष रखा गया है। अगर एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात किया दोस्तों तो चूंकि इसमें अलग अलग पोस्ट है तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एडुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। फिर भी एक या दो मैं आपको बता दूं तो टेक्निकल अटेंडेंट 1 के लिए जिन कैंडिडेट्स ने 10th पास कर रखा है, साथ ही ITI कर रखा है और उनके पास ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है, वो इस कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए बात की जाए तो जिन कैंडिडेट ने डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल में या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की बात की जाए तो जिन कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, वे कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। बाकी की डिटेल्स दोस्तों आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.recruitmenthub.in पे विजिट करके देख सकते हो। अब अगर बात किया दोस्तों सेलेक्शन प्रोसीडियर की, तो यह कंप्लीटली बेस्ड होगा दोस्तों एक रिटन टेस्ट पे, फिर स्किल प्रोफिशिएंसी या फिर फिजिकल टेस्ट पे, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे। अगर एप्लीकेशन फी की बात किया तो जनरल OBC और EWS को पे करने होंगे 100 रुपये, जबकि SC ST और PWD कैंडिडेट्स को कोई भी फी पे करने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए एक फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर बात किया इंपॉर्टेंट डेट्स की दोस्तों, तो ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया 12 सितंबर 2022 से स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 10 अक्टूबर 2022 तक चलेगी। अब अगर बात किया दोस्तों आप इस फॉर्म के लिए कैसे आवेदन करोगे, तो सबसे पहले आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप हमारे ऑफिशियल वेब पेज पर चले आओगे, जहाँ सारी डिटेल्स को पढ़ने के बाद आपको लास्ट में 4 इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलेंगी, जो कि मैं आपको हाईलाइट करके दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको पहले लिंक पर क्लिक करना है दोस्तों, जिससे कि आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओगे और भविष्य में आने वाले किसी भी नई वैकेंसी की जानकारी हम सबसे पहले आप तक पहुंचा पाएंगे। उसके बाद दोस्तों ये तीसरा लिंक पर क्लिक करके आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है, थॉरली पढ़ना है और पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, तो ये लास्ट लिंक पर क्लिक करके दोस्तों आप अपने फॉर्म को फिलअप करना स्टार्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप हमसे पहले से ही जुड़े हुए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमें कमेंट कर ये जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।